तो आज मुकाबला होने वाला है इंडिया और यूएसए का। नहीं नहीं, बॉर्डर पे कोई लड़ाई नहीं छिड़ गई, बल्कि हम लेकर आए हैं इंडिया के होम ग्रोन ब्रांड अमूल की सारी बेस्ट सेलिंग आइसक्रीम्स, और हम लेकर आए हैं यूएसए के होम ग्रोन ब्रांड बास्किन रॉबिन्स की सारी बेस्ट सेलिंग आइसक्रीम। तो चलिए पता लगाते हैं कि भाई इंडिया जिंदाबाद है या यूएसए जिंदाबाद। चलिए शुरुआत करते हैं आपको बताने से। क्या इंडिया जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। गलटू देख क्या आया क्या? मतलब मैं आइसक्रीम के सेंस में कह रहा हूँ ब्रो। तो देखो बेसिकली हमने दोनों ब्रांड्स पर ना हजार हजार रुपए खर्च करे हैं, इन पर भी और इन पर भी। इसमें हमारे पास हजार रुपए में आए हैं 1, 2, 3, 4 आइटम। इसमें हमारे पास हजार रुपए में आए हैं 1, 2, 3, 4, 5 आइटम। लेकिन गलतफहमी मत पड़ जाना, इसके 4 आइटम ना इस पे बहुत भारी है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी है 2 लीटर। ये 500 ml का एक डब्बा है और ये मेरे ख्याल से 100-200 ग्राम का माल होगा मुश्किल से। साथ ही साथ हमारी जो फ्लेवर्स निकल कर आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चोको चिप्स फ्लेवर। यहाँ पे कौन कौन अमूल की आइसक्रीम का लवर है कमेंट सेक्शन में बताना। तो पहला फ्लेवर है चोको चिप्स फ्लेवर। सेकंड फ्लेवर है मोरक्कन ड्राई फ्रूट। ये सारे हमने फ्लेवर्स जो मंगाए हैं ना वो बेस्ट सेलिंग है, अमूल के सबसे ज्यादा यही फ्लेवर्स बिकते हैं। अगला फ्लेवर है हमारे पास अमूल राजभोग। उससे अगला फ्लेवर है अमूल किंग अल्फांसो गोल्ड। और भाई अमूल का आज पता है कंपटीशन किससे है? एक ऐसे ब्रांड से जिसने यूएसए में 1950s में शुरुआत कर दी थी। साथ ही साथ इनके पास इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसके पास 31 फ्लेवर्स है आइसक्रीम में, और वही आपको इनके नाम में इनके लोगो में भी देखने को मिलेगा 31। यही है बास्किन रॉबिन्स की खासियत। कैलिफोर्निया में ग्रो हुआ था, दो बंदे थे जिनका सरनेम था बास्किन और रॉबिन्स, उन्होंने साथ में मिलकर इसे ग्रो किया था। मिसिसिपी मड आइसक्रीम इसके पास हमारे पास आई है। कॉटन कैंडी आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है पिज्जा स्लाइस गोल्ड मेडल फ्लेवर आइसक्रीम। ये कैसी होगी? वेरी एक्साइटेड टू ट्राई। यूनिकॉर्न संडे फ्लेवर की आइसक्रीम आई है। आर्कटिक आइसक्रीम आई है गाइस हमारे पास। सबसे पहले खाएंगे हम गोल्डन यूनिकॉर्न फ्लेवर आइसक्रीम। ये क्या है इसके ऊपर यार, गाठिया? ओह चॉकलेट। ओह माय गॉड नाइस, रियली नाइस। ये ओके ओके थी और थोड़ी पिघल भी गई है ना मेरे ख्याल से, इसलिए बास्किन रॉबिन्स हार सकता है क्योंकि पिघल गई है। साले का खोपड़ी तोड़। भाई इसका मुकाबला ढूंढना ना बहुत मुश्किल। मिसिसिपी फ्लेवर वाली आइसक्रीम है और इसका मुकाबला ढूंढना बहुत दिक्कत होने वाली है। और इसका तोड़ तो बना है क्या आज तक? कॉटन कैंडी फ्लेवर आइसक्रीम तो क्या जबराट होती है यार, मजा आ गया। पिज्जा ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड गाइस, इसके ऊपर आइसक्रीम है और नीचे चॉकलेट ब्राउनी की एक लेयर है। क्या बात है यार, वाह, दिस इज चॉकलेट केक भाई, बहुत तगड़ी चीज। और सच से बताऊं अमूल के फ्लेवर्स हल्के पड़ जाएंगे इसके सामने। इसके फ्लेवर्स बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक। क्या पता हु नोज, गॉड नोज। नाइस बट Not as good as Mississippi flavored वाली आइसक्रीम। तो अभी तक 1 की एडवांटेज में तो बास्किन रॉबिन्स आ गया। अगला है मोरक्कन ड्राई फ्रूट, मतलब सो एवरेज। ये क्या है? हाँ भाई ये है जानदान फ्लेवर। मेरे ख्याल से जो अपने इंडिया के आमों का और रत्नागिरी आमों का यूज करके ये जो अल्फोंसो आइसक्रीम बनाई है ना, ये है दमदार चीज। ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है अमूल की आइसक्रीम का। दिस इज नाइस बट ओवरऑल अभी तक अभी भी बास्किन रॉबिन्स आ गया है। Until unless राजभोग मुझे इंप्रेस कर देता है। ठीक है यार, मतलब आप समझ जाओ, मतलब इस वीडियो का विनर समझ जाओ। बास्किन रॉबिन्स का जो मिसिसिपी फ्लेवर था ना, ये कंपेरेबल नहीं था इन सब से। दिस वॉज हैंड्स डाउन द क्लियर कट विनर ऑफ दिस वीडियो, बास्किन रॉबिन्स। क्वांटिटी कम थी, महंगी आइसक्रीम थी, प्रीमियम आइसक्रीम थी, कहीं ना कहीं इसलिए अमूल से थोड़ी सी बेटर है। और आइसक्रीम का 5 स्टार है ये। अबे यार बट क्या कर सकते हैं, जो चीज अच्छी है देखो अच्छी है, लेकिन आप मेरे ओपिनियन से अगर डिफर करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये भी बताना कि भाई आप कौन से ब्रांड की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। बाकी अगली वीडियो कोई और सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बताओ, जितने मैं अपना फ्रोजन पिज्जा एंजॉय करता हूँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई हाय, ले आओ भाई ले आओ।